हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम ऑन अयोध्या गार्डनिंग चैनल। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप अयोध्या गार्डनिंग चैनल पर ढेर सारी जानकारी करने के लिए गार्डनिंग संबंधित प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियोस देखें। बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध हो रही हैं दोस्तों उस पर। दोस्तों, आज हम शेयर करेंगे कि फरवरी और मार्च की हमारी जो तैयारी होनी चाहिए वो शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि फरवरी शुरू हो गया है। और इसके पहले ये हम आपसे बात करना चाहते हैं दोस्तों कि ये पौधे जो हमने इस जनवरी में लगाए दोस्तों, उनकी हालत क्या है। शेयर करने का उद्देश्य ये है दोस्तों कि अमूमन हम लोग सर्दी के महीने में नए प्लांट लगाने से बचते हैं। कारण क्या है कि उस धूप नहीं होती, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता है और पौधे ग्रो नहीं करते हैं। बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि ऐसा नहीं होता, लेकिन दोस्तों ये पौधों की ग्रोथ के लिए सही है। ये फैक्ट जो है पौधों की ग्रोथ के लिए सही है। पौधे लगाना अगर है तो ये उदाहरण सामने आपके दोस्तों कि ये पौधे हमने जनवरी की कड़ी सर्दी में ही लगाए और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ उनकी स्थितियाँ। दोस्तों, ये दो पौधे हमने सुख और शांति के लगाए थे। आप देख रहे होंगे इसमें नई पत्तियां बहुत बढ़िया ढंग से निकल रही हैं दोस्तों, हम ये भी आपसे शेयर करेंगे भी दोस्तों कि ये कैसे ऐसे हो रहा है, ये कैसे ग्रो कर रही हैं, टिप्स क्या हैं उसकी। इसके अलावा दोस्तों ये देखें, अगर आप ये कोफिया प्लांट है, इसमें तो देखिए एक फ्लावर भी आ रहा है दोस्तों, ये फ्लावर भी आ रहा है और इसमें भी नई नई पत्तियाँ आ रही हैं दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों ये स्पाइडर प्लांट है, इसको भी मैंने हाल में ही लगाया था, लगभग हफ्ता 10 दिन पहले, और ये देखिए बढ़िया से ग्रोथ कर रहा है। इन दिनों जबकि टेम्परेचर 11 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में अयोध्या में है, 6 डिग्री है लोएस्ट टेम्परेचर कह सकते हैं, तो पौधों को असुविधा तो हो ही रही है दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद नेचर की शक्ति देखिए कि ये पौधे जो कुछ भी इनको एनवायरनमेंट मिल रहा है उसमें भी ये ग्रो कर रहे हैं दोस्तों, ये मौसम का रोना नहीं रो रहे हैं। ये है दोस्तों कनेल का पेड़, अभी इसकी हम डिटेल वीडियो भी आपको डालेंगे। इसको मैंने इसी जनवरी में लगाया ला करके, और ये भी देखिए नई पत्तियाँ बिल्कुल निकल रही हैं। ये है दोस्तों गुड़हल की एक नई वेराइटी है, इसके क्या है कि फूल बहुत आते हैं, इसमें नंबर ऑफ फ्लावर जो हैं बहुत ज़्यादा होती है। कुछ वेराइटी ऐसी है इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। आप देख रहे होंगे इसमें भी तो फूल भी आना शुरू हो गए हैं, हल्के हल्के फूल भी आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर भी आप देखें ये यहाँ पर भी फूल आ रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये पौधा देखिए आप, वंडर बैकबोन, डेविल्स बैकबोन, ये देखिए दोस्तों हमने इसकी कटिंग लगाई और पानी में ग्रोथ करने की, इसकी मैं जड़ों की स्थिति दिखाऊं आपको कि जड़ें हल्की हल्की निकलना शुरू हो गई हैं। थोड़ा सा कैमरा का वो आ रहा है, बहुत हल्की हल्की सी निकलना शुरू हो गई हैं। ये लगभग 2 से 3 हफ्ता हो चुका है, यहाँ पर आप देखें अगर ये हल्की हल्की जड़ें निकलना शुरू हो गई हैं, आप देख रहे होंगे ये सफ़ेद रंग की हल्की हल्की जड़ें आना शुरू हो गई। ये सब सारे डेवलपमेंट दोस्तों सर्दी के महीने के हैं। आप देखिए ये पर्पल टर्टल वाइन, ये मैंने इस तरह के 6-7 डिब्बों में लगाया, नई नई पत्तियां सब आ रही हैं दोस्तों। उद्देश्य सिर्फ ये है इस वीडियो बनाने का कि हम पौधे लगा सकते हैं। और दोस्तों ये भी बताऊं कि ये गर्मियों के सब पौधे हैं, मोस्टली सब गर्मियों के पौधे हैं जो कि गर्मी में बहुत अच्छे से ग्रोथ लेते हैं। उद्देश्य सिर्फ ये है बताने का दोस्तों कि हम पौधे लगा सकते हैं। बस दो टिप्स हमें सर्दियों में भी हमें दो टिप ध्यान रखना पड़ेगा। पहला वन कि जब से हमने इनमें लगाया है उस वक्त जो हमने पानी दिया था बस वही दिया है, उसके बाद हमने पानी नहीं दिया है। मतलब 2 से 3 हफ्ते हो गया ये पौधों को पानी हमने नहीं दिया है, और आप देख रहे होंगे इनकी मिट्टी भी कहीं सूखी दिख नहीं रही है, मतलब क्या कि पौधे को पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो हमने उस चीज़ को ऑनर किया, एक चीज़। दूसरी चीज़, ये पौधा दोस्तों ब्राइट लाइट में हमने रखा, लेकिन शेडेड एरिया में,
ये जो दूसरी इम्पॉर्टेंट टिप है, ब्राइट लाइट और शेडिड एरिया, ये हमारा जहाँ पर हम खड़े होकर शूट कर रहे हैं वीडियो, ये कुछ हमारा ऐसा ही जोन है जहाँ पर ब्राइट लाइट भी है, ये हमारा बाहर का लॉन का है और ऊपर हमारे छत भी है। दोस्तों सर्दी में ही हमने ये पौधे लगाए, देखते हैं यहाँ ये वांडरिंग जू, देखिए इस जगह को जो मैंने स्पेस बनवाया था पौधे लगाने के लिए, यहाँ पर भी किस तरह से पौधे देखिए बढ़ना चालू हो गए हैं दोस्तों। ये लगभग एक महीना के आसपास हो गया है, अब ये पौधे का पत्तियाँ बढ़ के बाहर आना शुरू हैं, जो कि उद्देश्य लगाने का। तो दोस्तों कुल मिला करके कहना ये चाहता हूँ कि पौधे हम कड़ी सर्दियों में भी लगा सकते हैं, बशर्ते दो चीज़ का ध्यान रखें, लगाने के बाद बिल्कुल पानी ना डालें जब तक मिट्टी उनकी सूख ना जाए, दूसरा उनको शेडेड एरिया में रखें और ऐसी जगह जहाँ पर ब्राइट लाइट। उससे क्या होगा कि हमारे पास फरवरी और मार्च में के लास्ट में, मार्च में जब हम लोग थोड़ा सा धूप बढ़िया हो जाना शुरू हो जाती है, तो हम बहुत सारे काम शुरू पेड़ पौधों पर निकलने लगते हैं, सबको अब करना है, तो ऐसे में हमारे पास वर्कलोड रिड्यूस हो जाएगा। और ये वीडियो, ये फैक्ट्स, ये डेवलपमेंट जो आपके सामने दिख रहा है, ये इस बात का भी परिचायक है, आपके सामने जीता जागता उदाहरण है कि हम सर्दियों में भी पौधे ला के लगा सकते हैं, सब्जेक्ट टू हम उनको इस तरह से रख पाएँ। एक चीज़ अब बात दोस्तों फरवरी और मार्च की, फरवरी तो शुरू हो चुका है, मार्च के पौधे की तो हम लोगों ने तो तैयारी शुरू कर दी है दोस्तों। जैसे कि गमले मंगाए थे, आप देख रहे होंगे ये सब गमले रेडी कर दिए हैं, ये सब गमले हमने मिट्टी भर के रेडी कर दिए हैं और खाद भी ढेर सारी बाहर मंगा करके रख लिए दोस्तों, लगभग 5 to 6 बैग्स काउडंग मंगा के रख लिया है। इससे क्या होगा कि अब हम इन पौधों में, अभी हमारे पास प्लांट नहीं है, कुछ नए भी लाएंगे, कुछ कटिंग से लगाएंगे, कुछ जो हैं उन्हीं को करेंगे, तो ऐसे में हमारा ये पूरा जो गार्डनिंग है ये पूरी भरी रहेगी। इस पॉट को तैयार करने में एक चीज़ हमने ये ज़रूर ध्यान रखा है कि इनमें ड्रेनेज बहुत अच्छा से बनाया दोस्तों, एक चीज़। दूसरा कोकोपीट और मिट्टी और बालू का लगभग बराबर रेशियो मिक्स किया है। ड्रेनेज इसलिए कि ये पौधा, ये जो हम ऐसी जगह पर हैंग करने वाले हैं, आपको दिखाता हूँ, वो ये जो राड्स हैं ऐसी इस जगह पे हैंग करूँगा, जो बीच की राड गई है इस पर हैंग करूँगा, इसलिए क्या है खुला एरिया है, तो ऐसे में बेमौसम बारिश, बरसात की बारिश होनी ही होनी है और हम बार बार तो हटा नहीं सकते पौधे, तो ऐसे में क्या होगा कि हमारे पौधे जो हैं वो बेमौसम की बारिश और बरसात का बारिश का जो पानी होगा उनके ड्रेनेज से निकल जाएगा और पौधे खराब नहीं होंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो इस बात के लिए आपको प्रेरित करेगा कि दिसंबर जनवरी जैसे महीने में भी हमें लगा सकते हैं पौधे, सब्जेक्ट टू जो मैंने दो टिप्स शेयर की आप उसको फॉलो करें। थैंक यू दोस्तों।